नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। काबुल में सरकार गठन के लिए बड़ा समारोह करने की तैयारी कर रहा है तालिबान, 6 देशों को भेजा न्योता। पहले ऐसी खबर आ रही थी कि तालिबान की सरकार के गठन में पाकिस्तान खुलकर दखलअंदाजी कर रहा है। आईएसआई की वजह से तालिबान और पाकिस्तान परस्त हक्कानी नेटवर्क में फूट पड़ गई। तालिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया पंजशीर पर कब्जे का ऐलान। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा किसी तरह भेदभाव नहीं होगा। पंजशीर की लड़ाई में विद्रोही नेता अहमद मसूद के कई कमांडर भी मारे गए हैं, जिसमें एनआरएफ के प्रवक्ता फहीम दश्ती और टॉप कमांडर सालेह मोहम्मद रेगिस्तानी भी शामिल। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला, संबित पात्रा बोले दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना उनकी आदत। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जब भी भ्रम की झूठ की राजनीति होती है तो राहुल गांधी जी का हाथ होता है। पीएम मोदी बोले 100 साल की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियनशिप बनकर सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से संवाद किया, साथ ही उन्हें संबोधित भी किया। यूपी में आज मेगा वैक्सीनेशन अभियान, 30 लाख टीकाकरण का लक्ष्य। यूपी में आज मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 30 लाख टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। चंद्रयान 2 स्पेस क्राफ्ट ने चंद्रमा की 9000 परिक्रमाएं पूरी की, जारी किया गया साइंटिफिक डाटा। इसरो ने कहा वैज्ञानिक आंकड़े शिक्षा जगत एवं संस्थानों के विश्लेषण के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि चंद्रयान 2 मिशन में और अधिक वैज्ञानिक भागीदारी हो सके। कर्नाटक में 5 दिवसीय गणेश उत्सव को मिली मंजूरी, मगर जुलूस और मनोरंजन कार्यक्रमों पर लगी रोक। सरकारी आदेश के मुताबिक कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को कोविड-19 की नेगेटिव जांच रिपोर्ट दिखानी होगी और उनका टीके की दोनों खुराक लेना भी अनिवार्य है। पूर्वांचल के किसानों को मालामाल करेगा बेबी टमाटर, सामान्य किस्म से कई गुना ज्यादा मिलती है कीमत। वैज्ञानिकों का कहना है कि टमाटर की इस नई किस्म से किसानों की आय दोगुनी तक बढ़ा सकती है। पिछले साल इसे पॉली हाउस में रोपा गया था, बाजार में इसकी कीमत सामान्य टमाटर की तुलना में दोगुना ज्यादा तक मिल सकती है। पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी के ठेका कर्मचारियों की निश्चितकालीन हड़ताल, मुसाफिरों की बड़ी मुसीबत, 2000 बसों का संचालन ठप। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कई स्थानों पर प्रदर्शन किया और लंबे समय से लंबित अपनी मांगों को नहीं सुनने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अगली खबर जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर के हिस्सों में प्रतिबंध अभी भी जारी। अलगाववादी नेता गिलानी की मौत के बाद लगाया गया था कर्फ्यू। अधिकारियों ने कहा कि ईदगाह और हैदरपुरा की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर बैरिकेड लगा दी गई है और इन इलाकों में निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। बड़ी खबर क्यों रुक कर लेते हैं, धामपुर शुगर मिल्स पर लगा 20 करोड़ रुपए का जुर्माना, अब क्या होगा निवेशकों पर असर। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने देश की बड़ी शुगर मिल कंपनी डीएसएम पर 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 3 दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने बताई ये वजह। मौसम विभाग ने 7 से 9 सितंबर के बीच उत्तर पश्चिम भारत और दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इन राज्यों में हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल का नाम भी शामिल है। अगली खबर महाराष्ट्र से, पेंगुइन के मुद्दे पर आदित्य ठाकरे पर इस बार अपनों का हमला, कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल। पहले भी पेंगुइन को मुंबई के रानी के बाग चिड़ियाघर में लाने और उन पर किए जाने वाले खर्च को लेकर विवाद और विरोध हो चुका है। मिजोरम के आइजोल में लागू आंशिक लॉकडाउन को 18 सितंबर तक बढ़ाया गया। मिजोरम में सोमवार को कोविड के 1330 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 64,228 हो गई है। पिछले 24 घंटे में और 2 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 224 हो गई। देश में 5 दिन बाद 40,000 से कम आए कोरोना केस, 167 दिन बाद सबसे कम मौत। दुनिया में बीते दिन सबसे ज्यादा कोरोना मामले भारत में आए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में भारत 7वें स्थान पर है। केरल में निपाह वायरस का असर शुरू, केरल में अब निपाह वायरस का आतंक देखने को मिल रहा है। इस वायरस के कारण 20 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 168 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। मुंबई में मलेरिया के बढ़ते मामलों पर रोक के लिए बीएमसी की पहल, लार्वा मारने के लिए तैयार किया ड्रोनास्त्र। मुंबई में डेंगू मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहाँ की संकरी गलियों में मशीनों से दवाई का स्प्रे करना आसान नहीं होता है, इसलिए बीएमसी ने यहाँ ड्रोनास्त्र तैयार किया है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़।